संबित जी, जो कल तक बड़े भाई थे महाराष्ट्र में, जो मैंने पहले आपसे सवाल किया था, बीजेपी के नंबर वन बीजेपी बड़ा भाई, वो शिवसेना के नंबर टू छोटे भाई के नीचे काम करेंगे, क्या यही बात अड़चन आ गई है और इसी वजह से मनाना पड़ रहा है? वरना सर क्यों बोलेंगे, बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली से बोलेंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और वो कह रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे? याद रखिए, बड़ा भाई छोटा भाई जहां तक है, महाराष्ट्र मां है, हिंदुस्तान मां है, तो दोनों बच्चे मां के लिए काम करेंगे। और देखिए एक बात, यहां पर कांग्रेस हमको सवाल पूछेगी, हम सवाल का जवाब देंगे, ये सब नहीं चल सकता है। क्यों? ये हम कैसे पार्टी चलाएंगे, किस प्रकार से पार्टी, नहीं नहीं, क्यों जवाब देंगे, ये हम जनता को जवाब देंगे, कांग्रेसी को क्यों जवाब देंगे? ये ना तीन में ना तेरह में, क्योंकि ऑपोजिशन है सर, हिंदुस्तान में है नहीं, विपक्ष है ये देश में, क्या है इनकी ऑपोजिशन? विपक्ष है, ऑपोजिशन में भी नहीं है। अरे काहे का ऑपोजिशन, ऑपोजिशन में तो अभी इनसे ज्यादा बड़े संख्या में एनसीपी है, ये काहे की ऑपोजिशन में है? एलओपी कौन है? अरे ये फिर से बीच में चिल्लाना शुरू हो गए, ये फिर से बीच में चिल्लाना शुरू हो गए, फिर अभी बोलेंगे आपने माइक, आपने इनका साउंड कम कर दिया। नहीं नहीं, ये एलओपी तो इंग्लिश में है, हमें, मैं एलओपी ही बोल रहा हूँ, एलओपी को अगर हिंदी में बोलिएगा तो लोप, लोप मतलब अंतर्ध्यान हो जाना, गए। ये कांग्रेस पार्टी लोप होने के कगार पर खड़ी है, फिर भी चिल्ला चिल्ला कर अहंकार से। अच्छा, शिंदे जी को कैसे मनाइएगा ये बताइए, क्यों बनाया उसको, क्यों बनाया इसको, क्यों नहीं बनाया उसको, क्यों डेप्यूटी सीएम बनाया? अरे पहले जाके कांग्रेस पार्टी को ड्रिप चढ़ाओ, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा खड़ा करने लायक बनाओ। फडणवीस, अभी जी बोल रही थी कि संबित पात्रा को संबल बनाओ, फडणवीस जी को संबल लेके पड़ा है, संबल आप उनको संबल बनाइए पहले, हमारे लिए। फडणवीस जी को कैसे मनाइएगा संबित जी? अरे आपको ही छोड़ दिया है भैया, आपके ऊपर क्या छोड़ देंगे, हमने तो छोड़ ही दिया है उनको, तभी तो मैं बोल रहा हूँ जवाब भी नहीं दूंगा कांग्रेस का, छोड़ दिया आपको, इतना परेशान मत होइए। फडणवीस जी को कैसे मनाइएगा, तो नेता भी बनके बात कर लिया करो प्रभु। सुप्रिया जी, हर जगह वही जोकरगिरी, वही कॉमेडी सेंट्रल, कब तक? फिर देखिए, पर्सनल मत होइए प्लीज, इस पूरे हिंदुस्तान में पर्सनल मत बनाइए, हिंदुस्तान में जोकर एक ही है, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, वही जोकर है, नहीं है अंजना जी, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, यही जोकर है, जिस मॉर्निंग वो मॉर्निंग उठेगा उसी दिन कुछ मंगल होगा, उन्होंने जोकर मॉर्निंग नाइट उठेगा, यही हो रहा है कांग्रेस पार्टी की हालत।